नदियाँ नहीं हैं ना पानी है, गंगा यमुना सरस्वती तो अपने आप में भवानी है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज प्रयागराज संगम में। प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना और अदृश्य रूप से माँ सरस्वती का मिलन होता है, यहाँ पर जो भी भक्त सच्ची आस्था सच्चे विश्वास के साथ आता है माँ गंगा यमुना सरस्वती उस पर अपनी अनुकंपा बरसाती है। माँ अपना आशीर्वाद उस भक्त पर बरसाती है जो सच्चे मन से यहाँ पर माँ से जो भी मांगता है। प्रयागराज में हर 12 वर्ष में लगता है कुंभ का मेला और हर 6 वर्ष में लगता है अर्धकुंभ का मेला। प्रयागराज में माघ मेले का भी विशेष महत्व है, लेकिन आज हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं कुंभ मेले के लिए। क्या है कुंभ मेला, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महंत श्री अनूप गिरी जी महाराज। तो चलिए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री का स्वागत करेंगे। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूँगी कार्यक्रम में आपका। महाराज श्री, कुंभ का मेला लगा है और संगम के तट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं प्रयागराज की महिमा के बारे में जानना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं प्रयागराज की महिमा के बारे में। ये प्रयागराज जो है, इसकी महिमा तो हमारे ऋषियों ने कि तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 12 साल में और हर 6 साल में अर्धकुंभी और 12 साल में जो पूर्ण कुंभ का मेला भरता है, न जाने कौन सी भूमि है, न जाने कौन सा ये इलाका है, बगैर बुलाए यहाँ पर करोड़ों लोग चले आते हैं और यहाँ पर साधु संतों का समागम, इतनी बड़ी संख्या में संत और अपने अपने पूर्ण मतलब एक वैभव के साथ। कहते हैं इस कुंभ मेले में साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती हैं, भव्य पंडाल, जगह जगह लंगर, यज्ञ, हवन, पूजा और ये संतों के द्वारा हर किसी के अनुयायी, हर किसी के शिष्य अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इस प्रयागराज की धरती पर आने के लिए उतावले रहते हैं। जो दुनिया में एक संदेश जा रहा है, ये सब संतों की देन है। एक तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, दूसरे संतों का भी एक संगम है और ये जो कुछ भी वैभव हो रहा है ये सब संतों की देन है। हमारे कुछ लोगों ने कहा है, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। संत महात्मा संसार में रहते हुए आज जो कुछ भी ये देख रहे हो आप, ये संतों की देन है। इस कुंभ नगरी में पूरी दुनिया से हर कोने कोने से पधारे हुए संत महात्मा और उनके अनुयायी यहाँ पर रहते हैं और हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने यह भी बताया है कि संगम नगरी पर आकर के जो भी स्नान करता है या इस रेती में जो भ्रमण भी करता है, कई जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे वृंदावन की रेती में जाकर के लोग लौटते हैं, कहते हैं उस रेती में भगवान कृष्ण खेला करते थे, वैसे ही ये प्रयागराज जहाँ अनेक ऋषि मुनियों के चरण पड़ते हैं और गंगा यमुना का निर्मल धारा बहती रहती है और इतने जन सैलाब में अनेकों ऋषि महर्षि योगी भगवान के भक्त माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा के साथ आती हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको उनके लाइफ में एक अलग सी अद्भुत परिवर्तन महसूस होता है। उनको कुछ लगता है कि ऐसा क्या है यहाँ पर कि जो दुनिया आज कुंभ को देख करके प्रभावित हो रही है। यहाँ पर आने के बाद में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं। किसी संत ने एक उसकी वाणी है, वो मैं बताता हूँ जी। ख्वाहिशें जब मेरे दिल से दूर हुई, तब जाकर मेरी फकीरी मशहूर हुई। यहाँ एक ही ख्वाहिश रहती है और वो है आध्यात्मिकता की जी। लोग नाना प्रकार की ख्वाहिशें लेकर के आते हैं और उनकी सभी ख्वाहिशें मिट जाती हैं और एक ही ख्वाहिश रहती है उस सत्य धर्म उस परमात्मा की कि ऐसा क्या है यहाँ पर, और उस निराकार परमात्मा से पूरा ये जन समुदाय ये क्षेत्र आकर्षित हो रहा है और इसका श्रेय हम किसको दें, हमारी वाणी में क्षमता नहीं है। जरूर कोई अदृश्य ऐसी शक्ति है
जो बगैर बुलाए लोगों को यहाँ पर आने के लिए विवश कर रही है, कर देती है, और उसी शक्ति का ये सब आप लोग जो देख रहे हो कुंभ नगरी में हर साल, हर 12 साल में, हर 6 साल में जो यहाँ पर जन सैलाब आता है, संतों का सैलाब उमड़ता है, तो इसके पीछे कोई न कोई शक्ति काम करती। महाराष्ट्र प्रयागराज के बारे में हमने जाना, प्रयागराज की महिमा का जितना गुणगान किया जाए कम ही होगा, लेकिन अगर हम साथ ही बात करें, हर 12 वर्ष में यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ शब्द का क्या अर्थ होता है और इस मेले में लाखों के, करोड़ों की संख्या में जो भक्त आते हैं उनके मन में किस तरह की आस्था, किस तरह का विश्वास होता है, ये जानना चाहूँगी आपसे। यह कुंभ मेला है, आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, अपने आप से हर कोई दुखी है। हमारे गीता में, पुराणों में, वेदों में कहा गया है कि जीवन का सार है परमात्मा का स्मरण। जी, इस संसार में कितना भी कोई कुछ भी कर ले, कुछ पाया नहीं जा सकता है, और इंसान कुछ पाने की चाहत में आज इतना अपने आप को दुखी और परेशान महसूस कर रहा है, उसकी तृष्णा उसको इस कदर उसको भ्रमित किए हुए है, और उस हृदय की आग को इस कुंभ नगरी में जब वो आता है व्यक्ति कोई भी, तो यहाँ पर आस्था और धर्म का जन सैलाब देख करके उसके हृदय की जो कामनाओं की, इच्छाओं की आग जो उसको तड़पाती रहती है, और यहाँ निष्काम भाव से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बड़े बड़े भंडारा चल रहे हैं, तो जहाँ ऐसे सामाजिक काम होते हैं वहाँ पर आकर के उसको शांति महसूस होती है। इसीलिए हमारे समाज में कि धर्म में कहा गया है शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं, शांति से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और शांति से बड़ा कोई तप नहीं, लेकिन उस शांति के वातावरण में आज जो हमारी भारतीय परंपरा थी उसको आज की जो 21वीं सदी का माहौल है, युवा है, जल्दी ही कुछ पा लेने की चाहत में अपने आप को परेशान कर रहा है, और यह कुंभ नगरी यहाँ पर सबको सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काशी दुख भाग भवेत, तो इसका उदाहरण पूरी दुनिया को जा रहा है कि जीवन में हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए अपनी हम अपने लिए हम अगर सोचते हैं कि हमारी कुछ इच्छा पूरी नहीं हुई, हमें कुछ नहीं मिला, उसके लिए हम दुखी हो जाएं, ये जीवन निम्न श्रेणी में आता है, उच्च कोटि का जीवन है। अपने लिए कभी कुछ मत चाहो, समाज को हम क्या दे सकते हैं, दूसरों को हम क्या दे सकते हैं, ये भावना जहाँ पर आती है उसी को धर्म बोलते हैं, और यहाँ पर हर कोई जो भी आता है समाज के लिए कुछ न कुछ उपहार दे करके ही जाता है। तो इसी का कुंभ मेले का जो आयोजन है, ये संतों का समागम होता था, संत महात्मा पूरे विश्व के आते थे। हमारे पुराणों में इस कुंभ मेले का आयोजन देवताओं के द्वारा, देवता भी एकत्रित होते थे जी। और यहाँ पर धर्म की चर्चाएं होती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, कल्पवास करते थे, कोई फलहार करके रहता था, कोई सूर्य के प्रकाश को पान करके रहता था, कोई गंगा जी में खड़े खड़े तपस्या करते थे, पहले ऐसा होता था। समय बदलता गया, पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट हुआ, जनता को भी संत महात्माओं की शैली में रुचि आई, तो जनता भी जुड़ने लगी, और उनको जो संसार की दावाग्नि से जल रहे थे, संतों की शरण में आके, इस तीर्थ में आकर के उनको शांति महसूस हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आने लगे, और आकर के जब वो जाते हैं तो 200 जगह 500 जगह उसका गुणगान करते हैं, फिर जो नहीं आए हैं वो भी पहले से ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो धीरे धीरे इस कुंभ मेले का प्रचार प्रसार देश दुनिया में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, और यहाँ पर सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी की शुभ कामना के लिए यहाँ पर जन सैलाब है जी। महाराष्ट्र कुंभ मेले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अखाड़ों का विशेष महत्व होता है, 13 अखाड़े हैं और सभी अखाड़े के महंत महामंडलेश्वर आते हैं, तो मैं उसके बारे में जानकारी आपसे लेना चाहूँगी कि किस तरह से जो अखाड़े हैं वो आते हैं और क्या महत्व है कुंभ मेले में अखाड़ों का। अखाड़ों का कुंभ मेले में ये महत्व होता है, अखाड़े जो होते हैं ये धर्म की रक्षा के लिए आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने बनाया था जी। जब भारतवर्ष में चारों तरफ
कहीं महात्मा बुद्ध के अनुयायी, कहीं महात्मा महावीर के अनुयायी लोगों ने भारत देश को चारों तरफ से एक भारतीय संस्कृति, जो भारतीय वैदिक परंपरा थी, उसको लुप्त होने के कगार पर हुई, तो भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया और अखाड़े के जो साधु संत थे वो जिसको जहाँ अच्छा लगा वो वहाँ रहने लगे। अब उनको एकत्र कैसे किया जाए जी? तो जैसे जैसे भारतवर्ष में उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, विशेषकर इलाहाबाद में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय जब कुंभ का मेला आता है, तो पूरे भारतवर्ष के दुनिया में जो भी हमारे संत महात्मा अखाड़े से संबंधित जुड़े हुए हैं, पहले एक ही अखाड़ा होता था और सबकी दीक्षा होती थी, वो शंकराचार्य के द्वारा होती थी। धीरे धीरे परिवर्तन आया, बदलाव आया, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण और आपसिक मतभेद होने के कारण वो अलग अलग अखाड़ों में परिवर्तित हो गए, लेकिन उनकी आज भी वही परंपरा है। और शंकराचार्य ने उनकी दीक्षा देना बंद कर दिया तो हर अखाड़े ने अपना एक नया आचार्य बनाया। अब वो अखाड़ों में जो नए युवा सन्यासियों की दीक्षा होती है वो आचार्य के द्वारा होती है और वो कुंभ मेले में ही होती है। तो कुंभ मेले में जितने भी दुनिया में महात्मा रहते हैं उनको निमंत्रण अखाड़े के द्वारा भेजा जाता है, उनको सबको कुंभ में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित होते हैं और धर्म के विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग रहते हैं, जिस आश्रम में रहते हैं, अखाड़ों से हम लोग बैठ करके विधिवत चर्चा करके, जो भी हम लोगों को विचार विमर्श के द्वारा धर्म के स्थापना के लिए जो भी हम लोगों को कमी दिखती है, हम फिर वहाँ जाके अपने अपने स्थानों पर वहाँ उस प्रकार से धर्म की स्थापना करते हैं जी। तो बिल्कुल दर्शकों, कुंभ मेले का क्या महत्व है, प्रयागराज संगम का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने जानकारी दी। कहते हैं कि देवताओं और राक्षसों में अमृत मंथन हुआ था, जब अमृत की चार बूंदें धरती पर गिर गई, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तभी से यहाँ पर हर 12 वर्ष में लगता है कुंभ का मेला और इस स्थान की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए कम होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ मेले में स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। कहते हैं कि देवता भी कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं और साधु संत हमारे देश में, जितने भी साधु संत हमारे देश में आज के समय में मौजूद हैं, सभी हमारे लिए ईश्वर रूपी वरदान हैं। तो आप भी इस कुंभ मेले में आएँ, इस कुंभ मेले का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएँ। तो महाराष्ट्र आप यहाँ आए, संगम के बारे में, संगम की महिमा के बारे में हमें बताया, कुंभ की महिमा के बारे में और साथ ही अखाड़ों के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद देवी जी। तो दर्शकों, प्रयागराज संगम नगरी में आए, अपनों को लाएं और पुण्य के भागी बने, कुंभ मेले में पधारें और देखें कि किस तरह से ईश्वर आज भी मौजूद है इस धरती पर। ईश्वर को पाने की चाह हर किसी के हृदय में है, लेकिन ईश्वर को किस तरह से पाना है ये कोई नहीं जानता। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।